हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डेल्फी पंप के बारे में। तो ये डेल्फी का पंप आया था हमारे पास, तो इसमें एक अलग तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको हमने डायग्नोज किया। शायद आपको भी फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, हमने पंप को मशीन पर लगाया है, तो ये हमारी मशीन चल रही है 100 RPM पे। तो इसको हम चेक कर रहे थे, तो इसमें अलग सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो पहले आप वीडियो को देखें थोड़ा। तो देखिए, यहाँ पर हमने 100 RPM पे मशीन को सेट किया और यहाँ पर वेन पंप प्रेशर जो बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे देखिए, वेन पंप प्रेशर के हमने इसमें जो है गेजर लगा रखी है। तो देखिए, यहाँ पे वेन पंप प्रेशर जो बिल्कुल जीरो आ रहा है, पर यहाँ पे जो डिलीवरी है वो आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसकी जो है डिलीवरी आ रही है, यहाँ रिटर्न डिलीवरी है इसकी। और इधर देखिए, यहाँ पे इसकी मेन डिलीवरी आ रही है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे वेन पंप प्रेशर बिल्कुल जीरो है, पर फिर भी डिलीवरी है जो इसकी आ रही है। तो इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी, देखिए यहाँ पे हमने मीटर यूनिट की वायर नहीं लगाई। गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी कि गाड़ी का जब मीटर यूनिट की वायर निकाल देते थे, गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, और जैसे मीटर यूनिट की वायर लगाते थे, गाड़ी बंद हो जा रही थी साथ ही साथ। तो ये पंप आया था इस तरीके से, इसमें प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे जो डिलीवरी देखी दोस्तों हमारी, मेन डिलीवरी भी ओके आ रही है और रिटर्न भी आ रही है, पर यहाँ पे वेन पंप प्रेशर शो नहीं कर रहा। और गाड़ी में स्विच निकालने से, मीटर यूनिट की वायर निकालने से, जिसका IMB वायर है उसकी तार निकालने से गाड़ी स्टार्ट हो जा रही थी। जैसे उसकी तार है जो लगा देते थे, वायर लगा देते थे, गाड़ी जो है बंद हो जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए, जो है डिलीवरी बिल्कुल ओके आ रही है मान लो। और अभी हम 500 RPM पे सेट करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 500 RPM पे इसको सेट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वेन पंप प्रेशर फिर भी जीरो है। यहाँ पे बिल्कुल वेन पंप प्रेशर नहीं बन रहा है इसका। और देखिए, ये हमने इनलेट पाइप लगा रखी, यहाँ पे खींच रहा है, तो ये इसकी रिटर्न आ रही है 500 RPM पे। और यहाँ पे हम स्ट्रोक लगाते हैं, देखिए यहाँ पे हमने कनेक्शन पूरा कर रखा है इसका, पर फिर भी इसमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि सर वेन पंप प्रेशर नहीं बन रहा। हमने मशीन को 500-550 RPM पे चलाया है, और यहाँ पे देखिए रिटर्न बिल्कुल नहीं आ रही इसकी, बिल्कुल ड्रॉप रिटर्न आ रही है। और मेन डिलीवरी बिल्कुल ओके आई जा रही है इसकी, पर इसकी रिटर्न बिल्कुल खत्म हो गई है, रिटर्न नहीं आ रही। तो गाड़ी में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी मीटर की वायर निकालने से गाड़ी स्टार्ट हो जा रही थी। तो हम पंप को खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है ऐसी। तो देखते हैं, ये पंप है, इसको हम डिसमेंटल करते हैं और इसमें देखते हैं ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई। तो 25 नंबर बिट से इसका जो हाइट है ऊपर का वो खोलेंगे, और इसकी जो रिटर्न लाइन है उसको खोल लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो, आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो देखिए, इसका जो हेड है वो उठा लेते हैं इस तरीके से, इसका हेड उठाएंगे ताकि जो रोलर वगैरह वो गिरे ना। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इसका हेड उठाया और अंदर इसका जो सामान वगैरह था वो बिल्कुल ओके था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई सामान वगैरह कटा था, बिल्कुल ओके था। देखिए, इस थोड़ा डीजल है जो उसको निकाल लेते हैं, इसकी जो केम शाफ्ट है उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। तो दोस्तों, इसका भी इस तरीके से ही आएगा, ये उल्टा नहीं आएगा, इसका भी ध्यान रखना थोड़ा। इसकी केम शाफ्ट उसको निकाल लेते हैं। देखिए, हमने इसकी जो केम शाफ्ट है उसको निकाल लिया है। अभी इसका हम जो सप्लाई पंप है उसको खोलेंगे और यहाँ पे देखेंगे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं सप्लाई पंप में। तो 20 नंबर बिट से इसके 3 स्क्रू लगे होते हैं, उसको निकाल लेना है और इसको कम्प्लीट ही बाहर निकाल लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से, तो ये कम्प्लीट ही बाहर आ जाता है। तो इसको हम देखते हैं, इसके में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए, इसके जो ब्लेड है ये भी बिल्कुल फ्री थे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर पंप में हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि पंप वेन पंप प्रेशर नहीं बना रहा था। और गाड़ी में जो दिक्कत थी कि गाड़ी जो जैसे ही उसका IMB बाल है उसकी वायर निकालते थे, गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, और IMB बाल को जब लगा देते थे तो गाड़ी बंद हो जा रही थी। हमने IMB बाल जो वो गाड़ी पे ही चेंज करके देख लिया, फिर भी इसमें सेम प्रॉब्लम थी। तो देखिए, इसका सप्लाई पंप भी दोस्तों बिल्कुल ओके हैं। अब इसका जो बाल है उसको खोल लेते हैं, 8 नंबर एलकी से इसके बाल को खोलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 8 नंबर एलकी से इसका जो बाल है उसको खोल लेते हैं और इसको भी देखेंगे इसके अंदर जो इसका पार्ट है वो ठीक है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, एक स्प्रिंग होता है और एक स्क्रू होता है, इसके अंदर बाल होता है, देखिए इस तरह का। तो ये बाल भी बिल्कुल फ्री था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो पंप को हमने सारा खोल लिया, इसको हम अच्छे से साफ करके चेक करेंगे, दोबारा फिट करेंगे। तो इस पंप को हमने पूरा अच्छी तरह से साफ कर लिया, इसको फिट करके दोबारा असेंबल करके मशीन पर लगाएंगे और देखेंगे इसकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हुई है कि नहीं। तो देखिए, हमने पंप को दोस्तों द्वारा असेंबल कर लिया है, अब इसको पंप को हम मशीन पे लगाएंगे। तो देखिए, ये पंप है जिसको हमने द्वारा असेंबल किया है, इसकी की वगैरह लगा के इसको मशीन पे लगाते हैं। देखिए,
इस तरह की इसकी की लगा के इसको कपली लगा के मशीन पर लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए हमने इस पंप को मशीन पर लगाया है, अभी 100 RPM चल रहा है क्लॉक वाइज। देखिए हमने इनलाइट पाइप लगाई है और ये जो हमने वापसी की पाइप लगाई है रिटर्न की, और एक नोजल लगाई है। तो देखिए मशीन अभी 100 RPM पे चल रही है और अभी यहाँ पे हमारा विंड पंप प्रेशर वो बिल्कुल ओके बन गया है 100 RPM पे, और हमारी जो डिलीवरी वगैरह वो भी बिल्कुल ओके आ रही है। तो देखिए यहाँ पे रिटर्न आ रही है हमारी, और यहाँ पे हमारी मेन डिलीवरी आ रही है। देखिए यहाँ पे विंड पंप प्रेशर हमारा बिल्कुल ओके बन रहा है, इसका मतलब हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गया। देखिए हमने ये विंड पंप प्रेशर की गेज लगा रखी है, और देखिए यहाँ पे रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आ रही है। पहले रिटर्न हमारी कम आ रही थी, पर हमारी जो मेटरी वो बिल्कुल ओके आ रही थी पहले, और अब भी बिल्कुल ओके आ रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिली, तो उसको हमने कुछ नहीं किया, पंप को डिसमेंटल करके दोबारा साफ करके अच्छे से फिट किया, तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ओके हो गई और गाड़ी भी बिल्कुल ओके हो गई वो। तो देखिए यहाँ पे जो रिटर्न है वो 250-300 के आसपास आ रही है, पहले जो कम आ रही थी। अभी 500 RPM पे देखते हैं कि हमारी जो डिलीवरी है पहले कितनी आ रही थी अभी कितनी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने मशीन को 550 RPM पे सेट किया, और यहाँ पे विंड पंप प्रेशर हमारा 5 kg का बन गया, जो पहले 0 आ रहा था। देखिए देख सकते हो आप, पहले यहाँ पे विंड पंप प्रेशर जो 0 था, अभी दोबारा चेक करते हैं डिलीवरी। पहले इसकी डिलीवरी भी जो है कम आ रही थी और रिटर्न भी कम आ रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे रिटर्न बिल्कुल ओके आने लगी, पहले रिटर्न नहीं आ रही थी, और हमारी मेन डिलीवरी है जो वो भी बिल्कुल ओके आ रही है। तो इस तरह से हमने जिसकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मेन डिलीवरी बिल्कुल ओके आ रही है और रिटर्न भी बिल्कुल ओके आ रही है। अभी हम इसको और चेक करते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।